आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे रुको, बीवी नाराज हो रही है, क्या लेके जाऊं घर? पार्ले जी वाला ऑमलेट सर। अरे बीवी के लिए चाहिए, कुतिया के लिए नहीं। ये देखिए गाइस, इंडिया का बिगेस्ट लैंडा सुबह निकलेगा, नहीं सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। थम्स अप चिकन, बकरी का मुंह जो डालना डालो, बस मुझे इतना बता दो पुदीने के पानी का क्या हो रहा है, आंडे साफ हो रही है क्या? अरे भाई रुको रुको, अकेले देखे हुए क्या? तो चलिए मिलकर साथ में देखते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं बरासी गेमर। तो भाई मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो किसी गेम पे नहीं है, ये वीडियो है रिएक्शन पे कैरी मिनाटी भाई के ऊपर। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। भाई मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट हो रही है। सर पुदीने का पानी खत्म हो गया है। तो शराब डाल के खिला। सर बूढ़ी औरतें प्लेट लेके खड़ी है। और मरे टल्ली होकर तुझे के शादी कर दी। ओ भाई। ये सोया चांपे हट जा। क्या डमिंग किया भाई? हट जा। पागल औरत पकोड़े में इमली डाल रही है। सर मैं क्या करूं? दिमाग फिक्स करवा। ये क्या पकोड़े में इमली? जूते ढोकला है। सुशी लग रही है सर। सरदारों की शादी में सुशी बना रहे हो? बटर चिकन बनाओ। चिकन रेडी है सर। ये चिकन है। तो कैसे हैं आप लोग? भाई क्या डमिंग किया? हमारी फूड इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। ये बताओ ये क्या है? अच्छा ठीक है। क्या लग रहा है? टिक्की? पकौड़ी? कचौड़ी? नहीं पगलो, आइसक्रीम है, फ्राइड आइसक्रीम। तो भाई ये लगने जा रही है हमारी फ्राइड आइसक्रीम, ये जा रही है फ्राई होने के लिए। मेरा बस एक छोटा सा सवाल, आइसक्रीम को फ्राई इससे क्या पता इंडिया फाइनल जीत जाती। खैर ये बताओ क्या है? जापान? नहीं पगलो, बर्गर है। और ये हमारा बर्गर पान रेडी हो चुका है। आशीर्वाद दे रहा है क्या? एशियन फ्यूजन नहीं, एशियन कंफ्यूजन है। खैर ये बताओ क्या है? ये मैं हूँ एक चूतिया जो इन पे वीडियो बना रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे रुको, बीवी नाराज हो रही है, क्या लेके जाऊं घर? पार्ले जी वाला ऑमलेट सर। अरे बीवी के लिए चाहिए, कुतिया के लिए नहीं। खैर पार्ले जी तो कुत्ते भी नहीं खाते। लैंडा सुबह निकलेगा, नहीं सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। अबे साले नरभक्षी, चने घोड़े खा गए क्या? जो गोलगप्पे में चिकन डाल दिया, ये चाट वाले के चाटा मारो। चिकन थम्स अप। थम्स अप चिकन, बकरी का मुंह जो डालना डालो, बस मुझे इतना बता दो पुदीने के पानी का क्या हो रहा है, आंडे साफ हो रही है क्या? नहीं भाई नहीं नहीं यार, क्या भाई गन पाउडर क्यों नहीं डाला? कैरी भाई एक नंबर यार। आईसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान दिया करो यार, अभी ये बना के ना ना अच्छा। तो तुम आवर्ची लग रहे हो, ना आतंकवादी लग रहे हो, गांडू लग रहे हो। गांडू? अभी तो मेरे दोस्त का डायलॉग बोल रहे भाई, गांडू। ओ मास्टर सेफ, आइसक्रीम की डंडी भी डाल दी, ये मैगी का दीमक के लिए बना रहा है। खैर देखते हैं प्लेट में डाल के कैसी लगती है। कैसी तो आर्टिस्ट है, सीखो कुछ, सीखो इससे। तुम यहाँ लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, वो क्रिएटिविटी चोद रहा है। इतनी आईक्यू तो सनी देओल की भी नहीं है। नहीं भाई मैं नहीं बात में पानी डाल दिया। हमारे यहाँ की ना बात ही कुछ और है, हमारा तो सॉल्ट बेबी टूंडा है। तो आ गया पेस्ट्री, ये आ गई मैगी होगी इसकी प्लेटी। और ये बन गया कीचड़, इसे डाल दो कूड़े में, बावर्ची को भेज दो पाकिस्तान। ये क्या बे? ये क्या चांद का टुकड़ा तल रहा है और इतना तेल लगा रखा है, किसी गंजे के सर पे लगा दो उसके बाल आ जाएंगे। पकोड़ा क्या हुई भाई? अरे बहन जी रहन दीजिए ना, कब तक अपनी अरेंज मैरिज का बदला अपने बच्चों पे निकालती रहोगी? ठेला खोलो, समाज को सजा दो। ए भाई तरबूज के साथ क्या है? सब तल दो, तरबूज सेब आम आंवला। एक काम करो, ये जोड़ा पे बेसन लगा के इसे भी तल दो, क्योंकि हम तो कीड़े हैं, रुई भी खा जाएंगे। ऑमलेट? अरे भाई ऑमलेट, अब इतने मक्खन में तो भैंसे को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। कस्टमर का दिल जीतना है, रोकना नहीं है। रोकना नहीं है। बर्गर बहन के लोड़े, अरे खाने के राजमोली, ये तो गांजा मार के भी अच्छा नहीं लगेगा। और चिप्स के नंगे छोड़े हुए, उस पर राजमा चावल डाल के पूरा हैप्पी मील बना दो ना। डिलक्स राजमोला वाली चाय का स्वाद आप में से बहुत कम लोगों ने लिया होगा। वाली चाय? ये तो टट्टी है, जितनी जल्दी अंदर जाएगी उससे जल्दी बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसकी टैगलाइन होनी चाहिए दस्त बहाने करके ले गए दिल। हल्की हल्की ये देखो भाई पत्ते के अंदर, ये क्या है? ये चाय? अरे बांग्लादेशी बोका सोदा, ये क्या गुलाबी चाय बना दी? ये कौन सा फ्रूट है? मैं क्या बताऊँ, उसे खुद नहीं पता भाई। अब
भाई ये अवतार वालों की ये क्या है? ये क्या है ये? और रंग बदल रहे समोसों के, ब्लू ब्लैक पिंक, कौन खा रहा है ये पावर रेंजर वाले समोसे? मार्केट में घूमते दिखे ये सब समोसे नहीं खाऊंगा। काले तेंदुए के टट्टे लग रहे हैं। खाने के रंग बदलना बंद करो वरना तुम्हारी गगन में आरजीबी की लाइट लगा देंगे, वो भी रंग बदलेगी। वो वॉफल मेकर में रख दिया है और यहाँ पे बिल्कुल रेडी है मोमोज का वॉफल। दीदी ने मोमो का इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना दिया, इसका नाम मोमो नहीं मोए मोए होना चाहिए। रजनीकांता पास पास वाली आइसक्रीम खाई है। अबे क्वालिटी वॉल के चोदो, ये तो अजय देवगन भी नहीं खाएगा। आइसक्रीम भी ऐसी बनाई है जो थूक नहीं पड़े। ये देख लो स्नो व्हाइट का बोना बड़ा होके इग्लू बना रहा है, ठीक करके लाए इसे। ये क्या बना दिया, बच्चों का साइंस प्रोजेक्ट लग रहा है। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ, सड़कों पे खाना नहीं बिकता, बकचोदी बिकती है। यार आप लोग मुझे कमेंट करके बताना यार, आपकी सिटी में ऐसे कोई छोले कुलचे 75 ब्लाइंड चैलेंज कर रहा है क्या? अच्छा है आंखें बंद है, वरना ये एवेंजर का रिजर्व प्लेयर छोलों में चॉकलेट डाल देता। ये देखो भाई कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है। अबे साले फूड ब्लॉगर, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा, तू ही अंधा है। ये देखो भाई कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है। काम है खाना देखना, वो तो ढंग से कर लो। ये देखो जी कमाल, ये कट शॉट है जी। अच्छा, ये सब करे बिना खाना नहीं मिल सकता है क्या? एक्सपीरियंस देना जरूरी है। हमें दिल बाहर सोड़ा शिकंजी पर। भाई साहब आप ये कहेंगे कि मैंने वीडियो की स्पीड को फास्ट किया हुआ है, नेचुरल स्पीड है भैया की। नेचुरल स्पीड है तो नेवला पकड़ना जाकर शिकंजी क्यों बना रहा है? ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भैया का सोडे की स्ट्रॉन्गनेस दिखाने का तरीका। अब सोडा स्ट्रॉन्ग शिकंजी बनाने के पैसे दिए थे, उसमें नहाने के नहीं। माननी पड़ेगी भैया का सोडा वाकई दमदार है। सोडा की दुकान का वाटर पार्क बना दिया, क्या फायदा नेचुरल स्पीड होने का जब बेचने से पहले 1.5 घंटे का प्रोग्राम आयोजित कर रखा है। ये क्या भाई? अबे इस हेलीकॉप्टर में किसने तेल भर दिया? एक हाथ के ट्राइसेप बन रखे हैं, लोग मुट्ठल समझेंगे। ओ भाई डोली भाई, डोली भाई। अबे छपरी नगर के इच्छाधारी नाथ सेक्स कर लेना दूध के साथ। अरे क्या चश्मे पहन रखे हैं? रॉबर्ट डाउनी जूनियर लग रहा है। अरे भाई वो डोली भाई को मैंने छोड़ा यार। मैं सही में चूतिया हूँ जो इन पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर यही सब करने से पैसे आ रहे होते ना तो अंबानी सर्कस चला रहा होता। जो ये समोसे खाएगा। ये करण जौहर को क्या हो गया और इतने बड़े चूचे लेके कहाँ जा रहा है? 11,000 इनाम पाएगा। खाने के लिए चैलेंजर ढूंढ रहा है, कौन ऐसे राह चलता मिल? हमारे चैलेंजर मिल चुके हैं हमें। देश में बेरोजगारों की कमी थोड़ी है। 1, 2, 3 स्टार्ट, टाइमर लग चुका है भाई। लो जॉब क्यों दे रहा है? और भाई क्या बात है, जल्दी 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 जल्दी। हलवाई तो स्ट्रेस में, ये कौन पिंडारी आ गया? माँ छुट गई। मोहे 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 मोहे। और कर लो फूड चैलेंज। अबे लोगों की खुराक नहीं पता तुम्हें, लेकिन हर बाप का एक बाप जरूर होता है। होता है। ओहो दीदी, समोसा खा के खुश हो रहा था। क्या बात है, 2, 3, 4, 5 समोसे ऐसे पड़े हुए हैं और यहाँ तो चैलेंज भी नहीं हो रहा है, ये बस भोजन कर रही है। भोजन कर रही है। अरे अरे दीदी कहाँ कर लिया इतना खाने के बाद कैसे तेरी बनती होगी? 4 सिलेंडर भर दे, इसकी बॉडी में फैट नहीं चढ़ता, फैट की बुलेट प्रूफ वेस्ट बन चुकी है। अरे भैया इस एशियाटिक अजगर से डरो, क्योंकि इसकी खुराक इतनी है सादा तन्मय बट खा जाएगी और ढकार भी नहीं मारेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा था, हर बाप का एक बाप जरूर होता है। 1, 2, 3, 4, 5 मुर्गों का पूरा खानदान खत्म कर दिया, इसके लिए पोल्ट्री फार्म एक ढाबा है। नमस्ते भारत। अरे नमस्ते भैया, बस तुम्हारा होना हो मेरा हो गया है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो ना, वो जो लाल वाला बटन है उस पे चिकन गोलगप्पे फेंक के मारो या फिर वाली आइसक्रीम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर दो यार सब्सक्राइब, कर दो यार चैनल, पत्री का इलाज कराना है यार। वाह क्या एक्टिंग है। जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए उन्हें हेट या ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों किसी की नजर में गांडू बनना है यार तुम्हें? लगता है अपनी बात कर रहे हैं। चलो मैं भी जा रहा हूँ, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 15 दिन पॉजिटिव रह लो, फिर जिंदगी पेलना शुरू कर देगी। बाय। वो है बाय। वो कौन बच्चा जो आउटरों के बीच में आ रहा था, उसको बोरी में बंद करके पटरी पे फेंका। मैं जानता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो भाई वीडियो बस इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अपने भाई को सपोर्ट करो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। बाय बाय, टाटा।